देखें ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पास हमारी दुनिया ट्रस्ट ने करीब 12 दिनों का एक कैंप लगाया, जिसमें केरल बाढ़ आपदा पीड़ितों के लिए उन्होंने लोगों से तकरीबन 22 टन की राहत सामग्री इकट्ठा की, जिनमें करीब 18 टन राशन की सामग्री थी, जबकि 4 टन बाढ़ पीड़ितों के लिए कपड़ों की व्यवस्था की गई थी। लोगों ने भी इस कैंपिंग में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया। आपको बता दें कि हमारी दुनिया ट्रस्ट के संस्थापक शबाना इकबाल काजमी हैं, जिन्होंने इस अनोखी पहल की शुरुआत की। इतना ही नहीं, इस राहत सामग्री को केरल बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाने में करीब 1.5 लाख रुपयों का खर्च किया। गौरतलब है कि इस राहत सामग्री को बीती 6 सितंबर को दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से रवाना किया गया था, जो कि 11 सितंबर को केरल बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचा दी जाएगी। खबरों की माने तो जल्द ही हमारी दुनिया ट्रस्ट की ओर से ऐसा ही एक और ट्रक केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भेजा जा सकता है। मैं इकबाल खान, जामिया नगर ओखला से। ये जो प्राकृतिक आपदा केरल में आई है, जिससे काफी सारे लोग बेघर हो गए हैं, उनके पास खाने का पीने का और राशन कुछ भी नहीं है इस टाइम, उन लोगों की मदद के लिए मैं हमारी दुनिया ट्रस्ट की तरफ से तकरीबन 22 टन खाने पीने की सामग्री, पहनने के लिए कपड़े, दवाइयां और ज़रूरत की वो सारी चीज़ें ले करके यहां से केरल जा रहे हैं। देखिए, हमारी दुनिया एनजीओ की तरफ से ये प्रोग्राम किया गया और उसमें हमारे ओखला के और हमारे मैनेटरी डिपार्टमेंट के जितने भी मेरे सहयोगी, उन्होंने सबने इसको साथ दिया और कामयाब किया। और ये मेन मकसद है उन बाढ़ पीड़ितों के तक इसको राहत सामग्री को पहुंचाने का। और हमने जो अपने 12 दिन की जद्दोजहद से और हमारे सहयोगी के जद्दोजहद से ये 22 टन सामान है, जिसमें 15 टन अनाज है और बाकी 12 टन जो है वो कपड़े और दवाइयां हैं, बिस्किट है, खाने पीने की चीज़ें हैं। और 1,30,000 के आसपास इसका वहां तक खर्च बैठ रहा। हमारे साथ तमाम सहयोगी जैसे हापुड़ से और ओखला वालों ने मिल करके इसको पूरा कर दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से सबके, पूरी टीम और पूरे जितने लोगों ने हमारे कहने पे इस पे साथ दिया और इमदाद किया, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।